अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस ही का टॉपिक है आज। और इक्वल मैट्रिसेस के बारे में आपने पढ़ा कि इक्वल मैट्रिसेस के दो पॉइंट्स हैं, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके रिस्पेक्टिव एंट्रीज सेम होनी चाहिए दोनों मैट्रिसेस में। आज उसी के हवाले से एक क्वेश्चन है जो अमूमन डिफरेंट बुक्स में फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकेंड एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, या इसी के इक्विवेलेंट कोई और क्वेश्चन होगा जिसमें आपने ए बी सी डी एफ जी ए जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उसकी आपने कोई वैल्यू निकाल दी होगी। तो इसी हवाले से मैं एग्जाम्पलरी क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूँ कि हम दो मैट्रिसेस को इक्वल करके ए डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इक्वेशन मींस कि उनकी जो इक्वलाइज का कॉन्सेप्ट था उसको वैल्यू करते हुए हम मैट्रिक्स में से ए बी सी और डी की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, एक मैट्रिक्स है ए प्लस सी, ये इसकी एक एंट्री है, ए प्लस टू भी इसकी सेकंड एंट्री, सी माइनस वन इसकी थर्ड, फोर डी माइनस सिक्स इसकी फोर्थ एंट्री। इसी के इक्वल देखिए एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें जीरो माइनस वन थ्री और टू डी की एंट्रीज है। अब हम मैट्रिक्स के जो इक्वल करने का हमारा फर्स्ट था कि भाई इन दोनों मैट्रिक्स की आया ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर चेक कर लें। ये ऑर्डर है टू रोज एंड टू कॉलम्स, टू क्रॉस टू, और इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, टू रोज एंड टू कॉलम्स, टू क्रॉस टू। अब हमने वैल्यूज निकाल ली है कि भाई आया ए बी सी और डी के मैट्रिक्स के वैल्यू, पहले हमें ऑर्डर चेक करना है, अगर ऑर्डर सेम हुआ तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी फर्स्ट ए प्लस सी क्रोस्पॉन्ड करती है जीरो के, ए प्लस टू बी क्रोस्पॉन्ड करती है माइनस सेवन के, सी माइनस वन क्रोस्पॉन्ड करती है थ्री के, और फोर डी माइनस सिक्स क्रोस्पॉन्ड करती है टू के, एक दूसरे की ये रिस्पेक्टिव एंट्रीज है। अच्छा अब ये देख रहे हैं, आप सोचें कि यार इस क्वेश्चन को, इस सम को अटेम्प्ट करते हुए हम इजीनेस कहां फील करेंगे, जहां से हमें इजी मेथड से वैल्यूज निकाली जा सकती है हमें उसकी तरफ चलना है। तो देखिए हमारी फर्स्ट अगर एंट्री को देखें तो a प्लस c इज इक्वल टू जीरो है, तो फील होता है कि यार अगर a प्लस c इज इक्वल टू जीरो करें तो ना तो हमारे पास a की वैल्यू है ना c की वैल्यू है, तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम ये करेंगे a प्लस c लिख देंगे, मगर इसके बीच में समझिए ये आपने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है जी। इसके बीच में आप ये समझ लें कि ये आप सारा ब्लैंक है आपके पास, ठीक है जी। ये मैंने सिर्फ आपको लिखने के लिए, समझाने के लिए बताया, ये ब्लैंक कर दिया, ठीक है जी। अब हम इसको इसी पार्ट में लिखे देते हैं। सेकंड देखते हैं, इसी कॉलम की सेकंड एंट्री है सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, क्रोस्पॉन्ड कर रही है थ्री को। यहां को फील होता है यहां हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है और दो हमारे पास वैल्यूज वन और थ्री कांस्टेंट है। इट मींस कि हम सी की वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं वही अलजेब्रिक मेथड यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सी माइनस वन इज इक्वल टू, ये एंट्री इसकी करस्पॉन्ड करती है सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। आप अलजेब्रिक रूल यूज करें, माइनस वन आपको उधर ट्रांसफर करना है, तो माइनस वन इधर है, इसे प्लस वन करें, ये कट डिडक्ट हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, और जो आपने चेंज की है इस साइड पे प्लस वन की, वो आपने दूसरी साइड पे भी चेंज कर दें, थ्री प्लस वन कर दें, तो आपका आंसर आ गया सी इज इक्वल टू फोर। ये देखिए हमारा फर्स्ट वैल्यू हमने जो इस मैथ यहां से निकाली वो सी की वैल्यू है, सी इज इक्वल टू फोर। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, यार हमें वहां सी की वैल्यू नहीं पता थी, मगर वहां से हम ए की वैल्यू निकाल सकते थे अगर हमें सी की वैल्यू मिल जाती। अब हुआ ये कि हमें सी की वैल्यू
पता चल गए। तो ये देखिए c इज इक्वल टू 4। अब आप अगर नोट करें तो फर्स्ट कोरस्पोंडिंग एंट्री a plus c इज इक्वल टू 0। अब a plus c इज इक्वल टू 0 तो आप क्या करेंगे, c में वैल्यू पुट कर दें जो आपने फाइंड आउट किया तो वो 4 है इज इक्वल टू 0। आप क्या करें, a इसको वही अलजेब्रिक रूल प्लस करें, प्लस तो है माइनस 4 करें और उस साइड पे भी इसे माइनस 4 कर दें, यहां तो ये माइनस इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको चेक करें तो यहां से हमें a इज इक्वल टू माइनस 4 आंसर मिल गया। तो ये हमारे पास a की वैल्यू, हमने दो वैल्यूज निकाल ली, एक c की वैल्यू फर्स्ट में निकाली थी और सेकंड में हमने a की वैल्यू निकाली। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास c की वैल्यू भी। अब इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट रो की सेकंड कोरेस्पोंडिंग सेकंड एंट्री है वो कोरेस्पोंड करती है -7 को सेकंड मैट्रिक्स में। तो a plus 2b is equal to -7, आप इसे चेक कर लें, a plus 2b is equal to -7, तो वही अलजेब्रिक रूल वही आपके पास। देखिए आपने यहां से a की वैल्यू आप पहले निकाल फाइंड आउट कर चुके हैं, अब a की वैल्यू यही वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट कर दें, जैसे ये a है तो यहां आप लगा दें -4 प्लस 2b, वही आप इक्वेशन का रहने दें 2b इज इक्वल टू -7, वो -7 इक्वल है। अब आपने -4 को वही अलजेब्रिक रूल के मुताबिक -4 को +4 करें, सेकंड साइड पे +4 करें, इस साइड से ये कट जाएगा, -7 +4 -3 आ जाएगा। तो आपने सेकंड 2b इज इक्वल टू -3। अब आपको तो सिर्फ चाहिए b, तो क्या करेंगे 2 को इस साइड पे उसके डिवाइड कर देंगे 2, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको ऑपोजिट आपने इफेक्ट देना होता है, 2 को 2 से डिवाइड कर दें, इस साइड पे वही इफेक्ट करें, 2 को डिवाइड करें, 2 2 से कट जाएगा, ठीक है जी, 2 2 से कट गया तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 3 -3 ओवर 2। अब जनाब हमारे पास हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, c की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली, अब हमारे पास जो उसने कहा था लास्ट वाली d की वैल्यू रहेगी, तो d देखिए कहां कोई मैनेज हो सकती है, अगर इसमें लास्ट एंट्री देखिए दोनों मैट्रिसेस की तो वो है 4d -6 इज इक्वल टू 2d, कोरेस्पोंड कर रही है 2d से। अब आप ये करेंगे 4d -6 इज इक्वल टू 2d, तो 4d इधर भी और ये माइनस उठा के वही अलजेब्रिक रूल ये यहां ले आए -2d, जब साइन ये तो मैंने आपको ये मेथड की उसी का शॉर्टकट मेथड है। अगर आप 2d, क्योंकि हमें d इस साइड पे चाहिए, हमारा वेरिएबल d इस साइड पे है, तो 2d को जब आप इस साइड पे लाएंगे तो -2d हो जाएगा और ये -6 को जब आप उस साइड पे ले जाएंगे ऑपोजिट साइड में +6 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप 2d और इज इक्वल टू 6 आ गया, वही 2d से मल्टीप्लाई हो रहा, आपने इसका ऑपोजिट इफेक्ट देना है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर देना है, जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 यहां से खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, और अगर आपने 2 को इस साइड पे डिवाइड किया तो आपको इस साइड पे भी 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने यहां भी 2 को डिवाइड किया, जब यहां से 2 3 टाइम 6 पे कट गया तो हमारे पास d आ गया। देखिए d आ गया हमारे पास d इज इक्वल टू 3, ये जो आपका आंसर आ गया d इज इक्वल टू 3। तो अब इजीली आप हमने मैनेज कर लिया, a की वैल्यू निकाल ली, c की भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, d की भी निकाल ली। तो ये याद रखिए कि इस सम को अटेम्प्ट इसी तरह का सम है, इससे डिफरेंट कोई इसी तरह का कंपैरिजन में सम आपको मिलेगा आपके डिफरेंट बुक्स में, आप उसे मैनेज करें। वैल्यू ये जरूरी नहीं है कि a के बाद b निकले, b के बाद c निकले, c के बाद d निकले, वैल्यूज जहां आपको आसानी समझते हैं, मेरे को अगर आपको d पहले निकलती है तो सबसे पहले d निकाल लें, अगर आप समझे कि d मेरे लिए निकालना आसान है फिर b निकाल लें। फिर कई बार ये होता है कि आपको डिफरेंट वैल्यूज जो आप निकाल चुके होते हैं a की b की, फिर उसको किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करके एक थर्ड सेकंड वैल्यू निकाल लें, थर्ड या सेकंड वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो वे ये जो हमारी इक्वल मैट्रिसेस का
उसी का आगे ये फर्दर एक टॉपिक था, एक क्वेश्चन था जो जनरल बुक्स में, ऑक्सफोर्ड की बुक्स में भी और बीटीबी की बुक्स में भी और डिफरेंट कंट्रीज की बुक्स में ये मैनेज होता है। तो आप इसे अच्छे तरीके से लर्न करें, अपनी प्रैक्टिस अब उन क्वेश्चन के हवाले से करें जो आपके बुक में मैनेज हो रहे हैं। तो सो थैंक यू, जो अगर आपने इस वक्त तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी फर्दर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सो थैंक यू।